Hmm. Hello everyone, a very good evening. This is Sudhanshu Bharti and we are discussing a class course on टास्क कोर्स फॉर आई आई टी एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और अभी हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं एनिमल किंगडम ओके तो एनिमल किंगडम में उससे डिस्कशन करें उससे पहले ये मेरे क्रीडेंशियल्स हैं ये एनिमल किंगडम का सिक्स लेक्चर है वट यू विल गेट एट अन एकेडमी प्लेटफॉर्म इस डेली लाइव क्लासेज विथ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज वेरियस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट अनलिमिटेड एक्सेस के साथ इन वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल योर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेज लाइव क्लासेस चलते रहते हैं मैं भी अभी यूट्यूब पर लाइव फ्री लाइव क्लास के साथ हूं अवेलेबल इफ़ यू आर प्लानिंग टू सब्सक्राइब देन यू कैन यूज माय रेफरल कोड एस जीरो ज़ीरो वन फॉर टेन परसेंट डिस्काउंट लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक और अभी हम लोग पढ़ेंगे एनालिडा हां यस yes, वेपरा गुड इवनिंग और एनालिडा में हम लोग पढ़ते हैं अभी एनालिडा के बारे में जो कि मेटामेरिक सेगमेंटेड एनिमल्स के नाम से जाना जाता है लैमार्क ने इस इसके टर्म को क्वाइन किया है और इसमें सैंड वॉम साउथ वॉम सैंड लीचेज आते हैं यस जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं एनालिड्स के ये बाइलेटेरली सिमेट्रिकल हैं विथ ट्रू सिलोमेट माइंड इट बॉडी सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड होंगे देयर बॉडी पार्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम थ्री जर्मिनल लेयर्स तीनों जर्मिनल लेयर्स इसमें होंगे इक्टो <coughs>

जो है वो क्रॉलिंग बरोइंग और ट्यूब ड्वेलिंग हैबिट्स को शो करते हैं माइंड इट लिविंग एन एनेलिट्स शो क्रॉलिंग बरोइंग एंड ट्यूब ड्वेलिंग हैबिट्स एंड द बॉडी इज कवर्ड बाई थीन क्यूटिकल विच इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन क्यूटिकल जहाँ भी मिलेगा ये प्रोटेक्शन का काम करता है बॉडी वाल्स शो वेल डेवलप्ड मसल्स इसमें मिलेंगे इसके पहले जो भी मसल्स थे फाइलम में सब पुअरली डेवलप्ड थे और वेल well डेवलप्ड होने के साथ साथ ये लोकोमोशन में हेल्प भी करेंगे एनेलिट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जहन में अर्थ वार्म आता है जो नेचर्स प्लॉम के नाम से जाना जाता है, है ना <coughs> तो इसमें ट्रू सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी होता है इसीलिए रिंग लाइक सेगमेंट्स इसलिए जो अगर अर्थवम को देखे हैं इसलिए इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म यानी ट्रू मेटामेरिज्म यहाँ पाया जाएगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन बोथ होगा मे बी सिमिलर एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन मे बी सिमिलर एज इन अर्थवम्स और मे नॉट कॉरेस्पॉन्ड एज लीचेस यानी कि अर्थवम में आपका एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों सिमिलर होगा लेकिन लीचेज में नहीं होंगे

एंड uh, उसके एक्चुअली मीजोडर्मल इपिथिलियम के स्प्लिटिंग से बनता है मीज़ोडम है ना तो सिलोम इज फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडाम हेंस इसको बोलते हैं साइजोसोलिक सिलोम राइट एंड सिलोमिक कैिटी इज फिल्ड विथ सिलोमिक फ्लूड विच वॉक साइड हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह वर्क करेगा एंड इट मेनटेन्स द शेप ऑफ द बॉडी वेन द एनिमल पफॉर्म्स लोकोमोशन ओके, इट विल मेंटेन द शेप ऑफ द बॉडी सिलोमिक कैविटी एक तो सिलोमिक फ्लूड इसमें भरा होगा हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह और ये को भी मेंटेन करता है वेन एनिमल परफॉर्म्स लोकोमोशन बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स ठीक है कैसे पता कि फार्मर का बेस्ट फ्रेंड है आप देखे हैं दोनों की दोस्ती देखे हैं hmm? जनरल कैरेक्टर्स ना सीटा होता है देखिए सीटा एक वर्ड है सीटा जो हुआ ब्रश लाइक -like, जो इनवर्टेब्रैट्स में बाल ही समझिए हमारे शरीर पे जो हेयर होता है उसमें इन्वर्टेब्रैट्स में अगर जो बाल होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सीटा ठीक है और एनालिट्स में चिटिनस सीटा जो है वो लोकोमोशन में मदद करता है सीटा आर एबसेंट इन एनालिट्स एंड लीचेस ये सीटा जो है ब्रश के स्ट्रक्चर उसमें एब्सेंट होता है किसमें किसमें आर्की एनालिट्स में एंड लीचेस में डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड अ लॉन्ग स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड माइंड इट यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आया है तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फर्स्ट टाइम एनिमल किंगडम में इवॉल्व हुए हैं hmm. अच्छा वेरी गुड फ्रेंडशिप बैंड देते हुए देखें तुम लोग तो जिसको देते हो उसी से सबसे ज्यादा झगड़ा लड़ाई करते हो फ्रेंडशिप बैंड दे करके भी ले लेते हो वापस तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट विथ माउथ एंड इन विथ एनस में होगा हाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हमने क्या बताया कि एनिमल किंगडम में फर्स्ट टाइम एनलिट्स में डाइजेस्टिव ग्लैंड आपियर हुए थे प्रेजेंट थे ठीक है सो so, अच्छा ये लिखा है मैंने यहाँ भी कि एनिमल किंगडम में द डाइजेस्टिव ग्लैंड आर फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनैलिट्स इन एनिमल किंगडम ब्लड वस्क्यूलर सिस्टम इज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम यह सब पहली बार आया है और क्लोज ब्लड वेस्क्युलर सिस्टम यहाँ पाया जाएगा माइंड जिसमें कि ब्लड रेड कलर का होगा ड्यू टू प्रजेंस ऑफ आर बी सी ठीक है नहीं इसमें सॉरी आर बी सी होंगे और आर बी सी के अंदर क्या होंगे हेमोग्लोबीन होंगे जिसके कारण इसका कलर कैसा होगा रेड होगा और चूँकि ये प्लाज्मा में डिजोल्व होता है इसीलिए इसको बोलते हैं इसके ब्लड को हम लोग बोलते हैं ठीक <coughs> है? क्या बोलते हैं हेमोलिम्फ बोलेंगे इसको ओके रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट थ्रो मोइस्ट स्किन आप अर्थवम को देखे हैं खास करके बारिश के दिनों में मिट्टी में सबसे ज्यादा मिलेगा गिली मिट्टी में और उसका स्किन हमेशा चिपचिपा मॉइस्ट रहता है सूख जाए तो मर जाए ठीक है Hence, क्यूटेनियस भी होते हैं मोइस्ट क्यूटेनियस भी होते हैं होंगे, होंगे? में क्या-क्या एक nerve ring होगा जनरली ये क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग के चारों तरफ मिलेंगे इसके पहले भी पढ़े होंगे तो उसमें क्या था ओएसोफेगस के चारों तरफ था राइट यहाँ पे फेरिंग्स के चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा नर्व रिंग एंड सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होंगे एक्सक्रीशन इज बाय सेगमेंटली अरेंज्ड नेफ्रीडिया के थ्रू होगा जो कि ये नेफ्रीडिया क्या है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा माइंडि आप भी ऑर्गन सिस्टम जब भी पढ़िएगा तो आपको याद कर लेना होगा कि कौन कौन सा जो ऑर्गन सिस्टम है किस किस लेयर से ओरिजिनेट किया है इक्टोडर्मल इंडोडर्मल मीजोडर्मल इन ओरिजिन है <coughs> ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई फीशन एंड बर्डिंग के द्वारा सो होता है जनरली ये यूनी सेक्सुअल और बाई सेक्सुअल एनिमल्स हैं फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगा इन लीचेस सिर्फ इसमें जो लीच हो जो है आते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन आपको इंटरनल मिलेगा डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है एंड मे इंक्लूड अ ट्रोको फोर लारवा डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ डायरेक्ट का मतलब उसमें कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं है इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें लार्वल स्टेजेस है और अगर लार्वा इनडायरेक्ट है तो उसमें लार्वल स्टेज होंगे और लार्वल स्टेज में कौन सा लार्वा आएगा ट्रोकोफोर यस। hmm, yes. हाँ, बिल्कुल हाँ <coughs> हा भी बनाता है इंक्रीजेस फार्मर्स इनकम सो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स फार्मर का इनकम कहाँ बढ़ रहा है इनकम बढ़ता तो अभी वहाँ धरना प्रदर्शन थोड़े होता हम्म ये इनकम बढ़ाता है इस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है हम्म <'t स्याँग> <स्याँग> <स्याँग> <स्याँ> <स्याँग> ठीक है पांच क्लासेस हैं भाई एनेलिडा के एक दो नहीं पांच पांच ठीक है पॉलीचेटा यही चेटा का मतलब ही यहाँ पे क्या होता है ना शीटा से है ठीक है सीटा से पोलिगोचेटा हीरोडीनिया आरकेनेलिडा एंड माइजो ये सब <coughs> चलिए क्योंकि महान आप हैं इसलिए महान नेता हैं सबसे पहले पॉली चेटा की बात करें नाम ही है पॉली का मतलब मेनी और चेटा का मतलब ही होता है सेटा सेटा है क्या स्टिफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरिंग हेयर और ब्रिशल इन एन इनवर्टेब्रैट्स में इनवर्टेब्रैट्स में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर या ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा उसी को चेटा या सेटा बोलते हैं ये इनलीडा का सबसे बिगेस्ट फाइलम है और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी एनिमल्स हैं वो सब मोस्टली उसमें से मेराइन है कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म मिलेंगे बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी रिंग लाइक सेगमेंट एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी ठीक है दे शोड डिस्टिंक्ट हेड विच बियर्स आईज पाल्प एंड टेंटेकल्स हेड में ये तीन चीज प्रोमिनेंट होंगे आई पाल्प एंड टेंटेकल्स है ना ठीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कर ही रहे हैं हम लोग तब भी किसान मर रहे हैं क्लाइटेलम इज एबसेंट देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है ये क्लाइटेलम जो होता है ये होता क्या है जनरली जब उसका स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो समझ में आएगा एक्चुअली अगर एक फाइलम को पढ़ा जाए तो कम से कम एक फाइल हमें एक डेढ़ घंटा से ऊपर समय लगना है ठीक है लेकिन कुछ कुछ चूँकि ये है तो उसके अनुसार चल रहे हैं और आज भी क्लास कम्प्लीट तो होना नहीं है एक एक दिन और लगना है और हम ज़्यादा देर का क्लास नहीं ले रहे हैं दो घंटे का लें तो शायद ये कम्प्लीट हो जाता लेकिन हम जानबूझ करके एक घंटे का ही क्लास कर दिए हैं ताकि आप लोगों का भी अटेंशन बना रहे समय पे सिलेबस ये सीपरा समय पे सिलेबस तो हम कंप्लीट कर ही देंगे उसमें कोई दो नहीं है भले ही थोड़ा सा लंबा खींच जाए ठीक है तो क्लाइटेलम में जैसे ये फिगर आप देखिए यही अर्थवम है ये वाला पार्ट आप देखिए क्लाइटेलम का है राइट कलर यहां पे चेंज है ये ओरिजिनल का फिगर है राइट ये क्लाइटेलम होता क्या है इट इज अ थिक सैडल लाइक रिंग फाउंड इन द एपिडर्मिस स्किन पे मिलेगा ऑफ द वॉर्म यूजुअली भी था लाइट कलर्ड पिगमेंट ठीक है लाइट कलर्ड पिगमेंट के साथ इसीलिए यहां पे आप देख रहे हैं ना ये लाइट कलर्ड पिगमेंट है ओफ़ लाइट कलर्ड पिगमेंट है यहाँ पे टू फॉर्म अ अकून फॉर इट्स एग्स द क्लाइटेलम सिक्रीट विस्कस फ्लूड कुकून को सिक्रीट करने टू एग के लिए जो सिक्रीट करता है उसके लिए एक विस्कस फ्लूड क्लाइटेलम से सिक्रीट uh, होता है एंड दिस ऑर्गन इज यूज इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ समलीड्स लीचे में यही क्लाइटेलम यूज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ठीक है चलिए तो ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ क्लाइटेलम इसमें एबसेंट हो गया क्लाइटेलम समझ में आ गया ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ पारापोडिया पारापोडिया क्या है सिंपल वही है जो पोडिया का मतलब है फिट फिट लाइक है ये ठीक है और ये क्या करेगा पारापोडियम जो है ना इसी में ये ब्रिसल्स वगैरह फॉर्म रहते हैं तो फिगर कहीं है तो ठीक है नहीं तो ये पारापोडिया क्या हुआ ना इस तरीके से पैडल लाइक होता है और इसी पे ये ब्रिसल्स ऐसे अरेंज्ड होते हैं राइट तो ईच पारापोडियम इज़ बाई लोब्ड अच्छा यहाँ लिखा है लोब्ड होता है यानी कि इस तरीके से मिलेगा और इसके ऊपर ऐसे ऐसे एक लोब इधर हो गया एक लोब इधर, और इस पे ब्रिसल्स ऐसे फॉर्म रहेंगे हम्म, विथ टू बंचेस ऑफ सीटा यानी यही ब्रिसल्स <coughs> <coughs> ये क्या करेंगे लोकोमोशन में हेल्प करेंगे एंड दिस क्लास इंक्लूड्स एनिमल्स विच आर फ्री स्विमिंग क्रॉलिंग बरोइंग और ट्यूब ड्वेलिंग ठीक है मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है दे आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स गोनट्स आर टेम्पोरेरी ठीक है एंड डेवलप ओनली इन द ब्रीडिंग सीजन गोनट्स कब होंगे ब्रीडिंग सीजन में ही वो डेवलप होंगे गोनोडक्ट इसलिए एबसेंट होता है गोनोडक्ट एबसेंट है तभी गोनट जो है टेम्पोरेली डेवलप हो रहा है अगर ये परमानेंट होते हैं तो ये भी परमानेंट होता गोनट्स रपच्चर एंड लिबरेट द गैमिट्स आउटसाइड शरीर के बाहर राइट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड डेवलपमेंट इंक्लूड ट्रोको फोर लार्वा पॉलीचेटा में क्या होगा ठीक है अच्छा हु टोल्ड यू की यू आर अवर बॉय हम नहीं बोला कि इसको ज्वाइन करो हम बोलते हैं चलो कुआ में कूद जाओ बताओ हर जगह मजाक नहीं ठीक है अदरवाइज़ बहुत सारे लोग इसको सीरियस ले लेंगे अब तुम लोग तुम तो वहाँ लिख दिए हो कि सर पैसा हमको दे दीजिएगा बताओ तो वो अच्छी बात है कोई पढ़ेगा वो फीडबैक तो क्या समझेगा जी रून एग्जांपल आइए इसका नेरिस है एफ्रोडाइट है नेरिस जो है देखिए ये नेरिस का बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी को सैंड भी हम लोग बोलते हैं या नै भी बोलते हैं नाउ कहता क्या है कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इट इज़ इसको हम लोग बोलते हैं काहे को नेरिस को ब्रीडिंग सीजन में हम लोग बोलते हैं हेटेरोरिस बिकॉज ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है एंटेरियर पार्ट एंटेरियर ए सेक्शुअल पार्ट ऑफ द बॉडी को हम लोग बोलते हैं ए टोक ठीक है और पोस्टेरियर सेक्शुअल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईपीटोक इसीलिए दिस चेंज इन बॉडी, इसीलिए इसको टर्म हम लोग बोलते हैं ईपी टोकी ई पी टोकीझे क्या है ईपी e टोकी तो ईपी टोकी में क्या है कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में जो एंटीरियर पार्ट है बॉडी का वो ए पार्ट है और वो उस पार्ट को हम लोग बोल देते हैं ए टोक पोस्टेरियर सेक्शुअल पार्ट होता है उसको बोलते हैं टोक इसीलिए इसको बोलते हैं ईपी टोकी दिस चेंज इज कॉल्ड ईपी टोकी नेरिस के बाद जो है एफ्रोडाइट है जिसको सी माउस बोलते हैं पैडल वॉम बोलते हैं ईटोपटेरस को बायोलिम बायोफ्लोरेसेंस शो करता है ये देखिए बायोफ्लोरेसेंस यानी बायोलिमिनेसन शो करेगा पेडल वॉम चिटोपटेरस ये पूछा जा सकता है अरेनिकोला को लंग वॉर्म बोलते हैं स्केल वॉम किसको बोलते हैं पोलिनोई को पीकॉक वॉम बोलते हैं चाबेला को एंड कंटेन क्लोरोन क्लोरो क्रुओरीन क्लोरो ठीक है एरेबेला बेला बॉडी वॉम, बॉडी वॉम लाइक होता है एंड गिल्स आर ब्रांच मिलेंगे पलालो वॉर्म बोलते हैं यूनाइस को ग्लाइसेरा बोलते हैं स्मूद ब्लड को, राइट ग्लाइसेरा किसको बोलेंगे स्मूद ब्लड को, ठीक है ये सब के फिगर हैं आपको नेरिस देखिए अरैनिकोला है लॉन्ग बॉम तो ये सब नाम याद रखना है अगर इफ यू हैव द रटंत कैपेसिटी तो आप रट रट के रखिए इसको नेक्स्ट hmm. जो क्लास है ओलिगोचेटा नाम ही है ओलिगो का मतलब फ्यू होता है फ्यू सीटा इसमें मिलेंगे एंड दे ये पॉलीचेटा का एग्जांपल है राइट पॉलीचेटा में फिगर से ही आप देखिए कि पूरे बॉडी पे यहाँ भी देखिए कितना सीटा प्रेजेंट है इसमें सीटा देखिए कितना है ये सब पॉलीचेटा तो फिगर देख के आप पता कर सकते हैं hmm. भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं क्वेश्चन के बनाने के लिए ही यस yes, वेपरा तो हम नो स्टोन आन रखने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन आ जाए तो बना लिया जाए है ना तो क्वेश्चन आप सिलेबस के अनुसार जाइए हम सॉरी कि आपके अकॉर्डिंगली हम बना नहीं पा रहे हैं वो हमको एक वीडियो जो बनाना है अभी कि एनालिसिस वाला भी कि, कि किससे क्वेश्चन एक पहले भी कभी बनाए थे दस पंद्रह मिनट का वीडियो अगर यूट्यूब पे ही होगा वो देख सकते हैं उसमें मैंने बताया है कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना बायोकेमिस्ट्री से आता है इन सबसे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन हमको इसको कवर अप करना है चूँकि क्रैश कोर्स में हमको सब कुछ पढ़ाना है इसलिए हम ले चल रहे हैं राइट हाँ नंबर ऑफ पढ़ना इसमें ज़्यादा है इसके पढ़ाई के प्रोपोर्शन में मुकाबले में क्वेश्चंस के नंबर कम होते हैं बस तो ओलिगोचेटा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हो सकता है इसमें फ्यू शीटा होते हैं और पॉलीचेटा के बाद यही सेकेंड बिगेस्ट क्लास ऑफ द फाइलम है इसमें हेड होता ही नहीं है बगैर सिर के होते हैं एंड बाई एनिमल्स विथ परमानेंट क्लाइटेलम क्लाइटेलम के बारे में हमने बता दिया एंड दे सो परमानेंट गोनड्स एंड गोनोडक्ट इट पॉलीचेटा में काहे को टेंशन हो जाता है ये बताइए आप टेंशन किस बात का लेते हैं पढ़ाई में ये बताइए देखते हैं टेंशन दूर होता है कि नहीं तो सो परमानेंट गोनोडाक्ट इसमें होता है इसीलिए इसमें गोनड्स भी परमानेंट होंगे डेवलपमेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट नहीं होगा ओलिगोचेटा और इसके एग्जाम्पल्स हैं पेरेटिमा यूटीफियस जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रोमिनेंट है ड्रविडा एंड मेगा स्कोलेक्स जो है नहीं ये नॉर्थ नहीं ये साउथ इंडिया में होगा ये कहाँ पे होगा साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट अर्थवाम है मेगा स्कोलेक्स ठीक है लुम्ब्रिकस यूरोपियन अर्थवाम है बताइए सब ये अलग अलग वेराइटी हैं अलग अलग जगह के डेरो नीज एंड ट्यूबिफेक्स जिसको कि ब्लड भी बोलते हैं ब्लड के कलर का होता है ये तीनों के तीनों हैं श वाटर फॉर्म्स ऑफ क्लास ऑलिगोचेटा हैं. फ्रेश वाटर फॉर्म्स मैक्सिमम एट मार्क्स फोर टू एट मार्क्स मैक्सिमम आप इसे कंसिड ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम. नॉट मोर देन दैट यस विप्रा. ठीक है नेक्स्ट इज हीरो इसमें लीचेज आते हैं नाम से ही ना, जो हीरोडीनिया इसमें लीचेज आते हैं एंड दे लीड इक्टोपैरासिटिक लाइफ माइन इट लीचेज नाम से ही पता है इक्टोपैरासाइट होता है ऑन वट ए ब्रैट्स एनिमल्स एंड लीचेज क्या है ब्लड सकिंग है ब्लड सकर को क्या बोलते हैं संगवई बोरस है ना कार्नी बोरस हम्म तो ये चीज़ तो आप याद करते हुए हम आ रहे होंगे आप प्लस टू लेवल से पढ़ते हुए आ रहे होंगे प्लस टू में भी पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे होंगे तो ये हमको पढ़ाने का पर्पस क्या है या फिर ये सिलेबस में डाला हुआ है इसे क्वेश्चन आने का पर्पस क्या है कि एनिमल किंगडम से कितने वाकिफ़ हैं इट आफ्टर ऑल आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पीजी करने जाएंगे वहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करने होंगे पी करने का मेन पर्पज़ जो लोगों के जो स्टूडेंट्स के जहन में होता है वो इस्कॉलर बनना ही है मेनली तो इस्कॉलर बनना है यानी कि आप अगर इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड को अच्छे से पहचानना सीखिए इसी में आपको कहीं पे एक पॉइंट पे स्टिक हो जाइएगा उसी पे वर्क करिएगा आगे फ्यूचर में हो सके उसी पे रिसर्च करिएगा ठीक है तो ये सब जानना तो बहुत ज़रूरी है रटना तो है ही और ये सिर्फ रस रटना सिर्फ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन निकालने के लिए ही नहीं है आगे भी पढ़ाई अगर कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में और उसके बाद वहाँ भी इसकी ज़रूरत है ठीक है हाँ तो आप समय उसी अनुसार दीजिए अब देखिए इसमें याद क्या करना है अब इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है हम लोग तो वो फेज़ देखें जहाँ पे दो दो हज़ार बच्चे और हम लोग खड़े होकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पीछे खड़े होकर के गर्मी में पसीना गिरा रहे हैं वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे टीचर का लेक्चर सुनने के लिए तो यहाँ दम ये नहीं भरना कि मैं अच्छा टीचर हूँ बट लेकिन अवेलेबिलिटी की बात बता रहे हैं कि आपके पास दुनिया भर के लेक्चर्स हैं आप सोए सोए रात में सोने जाते हो बेड पर कान में कोई एक वीडियो लगा करके शुरू कर, कर दीजिए अर्ली मॉर्निंग उठिएगा तो उसमें से दस बातें जो सुनी है दस में से दो जरूर याद रहेगा और इससे बेहतर क्या होगा कि सुनने से ज्यादा सबसे अच्छा याद होता है तो बार बार आप रिपीट करके भी तो देख सकते हैं फालतू के समय में है ना तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस रिपीट कर लीजिए समय के साथ समय को देखते हुए अभी जो इंपॉर्टेंस के टॉपिक हैं उस पर ज्यादा रिविजन करेंगे जो कम इंपॉर्टेंस के हैं उसको थोड़ा कम करेंगे हाँ तो याद रखने का जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे एक आध ट्रिक तो बताते रहते हैं अभी इसमें कोई ट्रिक है नहीं ठीक है हमको अगर इसमें नहीं पढ़ना है ज़्यादातर तो आप फर्स्ट दो लेक्चर तो ज़रूर पढ़ के रखिए ठीक है ना उससे बहुत कुछ है आ जाए और सुपरफिशियली अब इसमें जो कुछ कुछ है टर्मिनोलॉजी से वाकिफ रहिए समझ में आ जाएगा इसीलिए हम टर्मिनोलॉजी जहाँ आ रहा है वहीं पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अब जैसे ये बोट्राइडल टिश्यू क्या होता है है ना तो सुने हुए हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा संगोई वोरस आप पहले से नाम सुने हुए हैं संगोई वोरस जो ब्लड सकर होता है कार्नी भोरस हर्बी भोरस संगोई वोरस है ना इस तरीके से सो तो आगे बढ़ते हैं तो पी वाई क्यू इसको खत्म तो कर लेने दीजिए पूरा पी वाई क्यू करा देते हैं इसका है ना एनिमल किंगडम का अभी तक हमने पीवाई क्यू नहीं कराया है तो अभी इसी को थ्योरी खत्म कराने में समय लग रहा है एक होपफुली दो क्लास और लगें उसमें ख़त्म करा देते हैं उसके बाद पी वाई क्यू कराते हैं ठीक है चलिए तो ये हीरोडीनिया में हेड एबसेंट है पारापोडिया में शायद इसके बाद उसमें एनिमल किंगडम के बाद नहीं एनिमल किंगडम है जनरल बायोलॉजी के में ही हेरिडिटी तो है लेकिन आ, और भी हैं कुछ नीरस चैप्टर्स उसको भी करना है तो ठीक है पहले हेरेडिटी करा देंगे फिर बाद में नीरस चैप्टर एक ले लेंगे जैसे उसमें मॉर्फोलॉजी है और आ, ये एनिमल टिश्यूज़ वगैरह हैं वो भी पढ़ने हैं ठीक है तो उसको बाद में पढ़ा देंगे पहले हेरेडिटी कर लेंगे नहीं हाँ मॉर्फोलॉजी है तो मॉर्फोलॉजी के पहले हेरेडिटी कर लेते हैं फिर क्योंकि ये कभी बोर्ड बोरियत चैप्टर लेके चल रहे हैं तो इसके बाद थोड़ा मैकेनिस्टिक टॉपिक पे आते हैं फिर वो ले लेंगे ठीक है चलिए पारापोडिया ठीक है तो चलते हैं दोनों चैप्टर दो ऐसा करते हैं एनिमल किंगडम खत्म करते हैं खत्म करने के बाद एक क्लास हेरेडिटी का कर देते हैं और एक क्लास इसका चलने देते हैं ऐसा करते हैं ठीक है दो क्लास चलेगा जिसमें एक हेरिडिटी चलाएंगे और एक ये चलाएंगे हाँ बिल्कुल फिजियोलॉजी भी है फिजियोलॉजी भी है चलिए पारापोडिया इसमें एंड सीटा इसमें एबसेंट होता है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू इंटरनल सेगमेंटेशन माइंड इट जबकि नेरी इसमें इसके पहले नेरीस में या फिर वो अर्थवम में जो है उसमें था कॉरस्पॉन्ड नहीं करेगा यह हमने पहले ही बताया है फॉर एग्जाम्पल इंडियन कैटलिच सोज थर्टी थ्री इंटरनल सेगमेंट लेकिन एक्सटर्नली वो एक सौ नौ सेगमेंटेशन और ईच सेगमेंट को एन्यूलस बोलते हैं एन्यूलाइक प्लूरल वर्ड हो गया है ना तो इंटरनल और एक्सटर्नल कॉरेस्पॉन्ड नहीं करना मतलब क्या है कि नंबर जो एक्सटर्नल का होगा वही इंटरनल का उतना ही होगा लेकिन लीचेज में देखिए कि इंटरनली वो थर्टी थ्री सेगमेंट को शो कर रहा है और एक्सटर्नली 109 हंड्रेड नाइन एन्यूलाई सेगमेंट्स को शो कर रहा है फाइव पेयर्स ऑफ आईज आर प्रेजेंट इसमें फाइव पेयर्स ऑफ आइज होते हैं डॉर्सली ऑन द फर्स्ट फाइव सेगमेंट्स पे होंगे पाँचों पेयर कहाँ होंगे शुरू के पाँच सेगमेंट पे होंगे मतलब ये है पहला सेगमेंट दूसरा ये इस तरीके से सेगमेंट है तो शुरू के ही सेगमेंट में एक दो तीन चार इसपे होंगे पांच पेयर ऑफ आई होंगे टू सकर्स प्रेजेंट होंगे एंटेरियर पोस्टेरियर सकर इज अ बिग वन दे हेल्प इन लोको मोशन एंड एडहेशन टू द होस्ट बॉडी दो सकर हैं कहीं पे सक्सन की तरह चिपक जाना जैसे कि छिपकली का पैर है तो कैसे है वो सक्सन प्रेशर पे काम करता है उसी तरीके से तो एंटेरियर सकर अराउंड माउथ और वो फीडिंग हैबिट्स के लिए है फूड के लिए और पोस्टेरियर शकर बड़ा होता है जो लोग मोशन में भी मदद करता है एंड एडहेशन टू द होस्ट बॉडी ठीक है सलाइवा कंटेन्स एन एंटी कोट कॉल्ड हीरोडीन यही सबसे बड़ी इसकी काबिलियत है राइट क्या काबिलियत है इसमें जस्ट अ मिनट हाँ क्या है कि इसका जो सलाइवा होता है उसमें एक तरह का कंटेन एंटी कोएगुलेंट उसको बोलते हैं हीरोडीन अब ये क्या करेगा कि हीरोडीन ये जब सक करेगा उस समय सलाइबाज में वो एंटी कोएगुलेंट सिक्रिएट कर देगा जिससे कि ब्लड जो है का फ्लो और बढ़ा रहेगा कोगुलेट नहीं करने देगा इससे क्या होगा कि ब्लड का फ्लो वहाँ पे ज़्यादा होगा तो उसको सक करने में बहुत आसानी होगी हुँ. बताएंगे आई में मोज़ेक पैटर्न और ये सब भी बताएंगे बस उसका आंख लगा करके देख लेते हैं हम लोग उसके उसके आंख से कैसा दिखता है मेरे आंख से कैसा दिखता है ठीक है एक्चुअली आई है क्या सिंपल सा चीज है देखो उतना डिटेल में अभी नहीं जाना है सिंपली समझो ये क्या है मिरर uh, बनाने का एक तरीका है प्रोस्पेक्टिव से उसके हंटिंग दिखा रहा था हाँ बिल्कुल तो क्या है देखिए आंख दिखाने गए हो तो पता चलेगा दुनिया भर का हम मशीन बना के बैठे हुए हैं ठीक है पावर जैसे हम अपने आंख का चेक कर लेते हैं कैसे आई में एक छोटा सा मशीन पे आंख के सामने बैठ करके उसमें क्या पावर होगा या फिर उसमें एक ब्लड वेसल्स या और भी कुछ कैसे डिसरप्टेड होंगे वो पता चल जाता है ठीक है तो इमेज का फॉर्मेशन करना ठीक है इमेज फॉर्मेशन से हम लोग देख लेते हैं बस आई है क्या ये आपका कैमरा है है ना हम्म ठीक है गए हैं तो सही है बस एक कैमरा ही है और क्या है तो कैमरा को आप जितना एडवांस कर लीजिए तो हम लोग उससे उसको कैमरा मान करके उससे फ़ोटो खींच करके देख लेते हैं सीधी सी बात है कि उसका आँख को आँख को आई को कैमरा मान करके उससे फ़ोटो खींच लिए देख लिए तो जैसा फ़ोटो का रिजोल्यूशन आया तभी ना जैसे कैमरा इस मोबाइल से आप कैमरा से फ़ोटो खींचे और देखें कि कितना अच्छा आ रहा है तो बोलेंगे कि हाँ इसका कैमरा अच्छा है पिक्सल हाई है उसी तरीके से उसमें देखते हैं लेकिन उसके डिटेल मैकेनिज़म जो है उस पर हम लोग आएँगे आई जब पढ़ेंगे तो बताएंगे डिटेल में सिंपल आई और कंपाउंड आई में डिफरेंस क्या है ठीक है तो सिलोमिक कैविटी में हीरोडीन ये है तो ये जो सिलोमिक कैविटी हाँ ये सलाइवा में क्या है एंटीकोइलेंट होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं हीरोडीन हीरोडीन का काम क्या है आ, हिरोडीन जो है एंटी कोगुलेंट तरह काम करता है उसी तरीके से आप देखिएगा ये मच्छर जो मॉस्क्यूटो जो हमारा बाइट करता है तो क्या है कि जैसे इस जो हम लोग मलेरिया वगैरह का मलेरियल पैरासाइट है वो कैसे इंटर करता है वो तो ब्लड को सक करता है लेकिन उसके साथ साथ अपना सलाइवा उसमें सीक्रेट करता है ठीक है तो वो जो सलाइवा सीक्रेट करेगा उसी में ये एक एंटीकोग्युलेंट होता है जो कि ब्लड के फ्लो को बढ़ा के रखता है ठीक है उसको कोग्युलेट नहीं होने देता है और आसानी से वो क्या है आ, ब्लड वो सक कर पाता है ठीक है इसमें दूसरा जो सबसे तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि सलाइवा कंटेन एंटी कोगुलेंट कॉल्ड हीरोडीन दूसरा इसमें क्या है सिलोमिक कैविटी जो कि बोट्राइडल टिश्यू कंटेन किए होता है ठीक है और ये बोटराइडल टिश्यू क्या होता है फिर सिलोमिक कैविटी में बोट्राइडल टिश्यू होता है ये बोटराइडल टिश्यू इज पैरें एंड कनेक्टिव टिश्यू ही है दैट इन्वेड द सिलोम बोट्राइडल टिश्यू सिलोम में है एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेप लाइक मासेज ऑफ सेल्स कंटेनिंग अ्राउन पिगमेंट एंड मे सर्व एज एक्सक्रेटरी फंक्शन की तरह काम करेगा ठीक है ये बोट्राइडल टिश्यू पूछा जाए तो क्या है अच्छा ये लगभग <coughs> मेगा पिक्सल में तो हमको लगता है लगभग साढ़े पाँच सौ के आसपास होना चाहिए फाइव फिफ्टी और के आसपास होगा यस yes. मेगा पिक्सल में इसका जो रिजोल्यूशन होता है ठीक है प्रसून लगभग फ़ाइव फिफ्टी के आसपास होना चाहिए फाइव फिफ्टी मेगा पिक्सल लगभग ऐसे वो देख लो नेट पे सर्च करके देख के बताओ तो कैविटी में क्या हुआ बोट्राइडल टिश्यू हुआ और ये बोट्राइडल टिश्यू क्या है एक तरह का पेरेनकाइमा एंड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि जिसमें ग्रेप लाइक मासेज ऑफ सेल्स और ब्राउन पिगमेंट उसमें होता है और वो एक्सक्रिटरी फंक्शन सर्व करता है क्लाइटेलम इसमें मिलेगा तो टेम्पोरे होगा ठीक है एंड इट डेवलप्स इन नाइन्थ टेंड एलेवें ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ऑनली याद रखियेगा यह सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाइन टेंड एलेवेंगे एंड दे आर बाई सेक्शुअलोड परमानेंट गोनोडक्ट होगा और गोनर्स भी होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शोजेनि एंडहेंस फर्टिलाइजेशन इसका क्या होगा इंटरनल होगा डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा hmm. yes. यस yes. ये है आपका फिगर है ये लीच का है इसमें बॉडी आप देखिए हिरुडीनरिया का है ये कैटल लीच है ये मेडिसिनल लीच है फिश लीच है हिरुडिनिया में आते हैं ठीक है एग्जाम्पल आ गया हीरोडीनैरिया में फ्रेश वाटर लीच जिसको इंडियन कैटल लीच भी बोलते हैं हिरिडो मेडिसिनलिस ये मेडिसिनल लीच है मेडिसिनल लीच इसलिए बोलते हैं इसको देखिए कुछ लीचेज ऐसे होते हैं कि जैसे इसमें बोला गया कि फ्लेबोटोमी प्रोसेस ऑफ सकिंग इम्प्योर ब्लड बाय लीच ये एक तरह का जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड इम्प्योर है तो पहले के ज़माने में ब्लड इम्प्योर मतलब उसमें इन्फेक्शन है तो खींच लिया करते थे ताकि ब्लड को निकले ब्लड कुछ निकाले उससे इम्प्योरिटी भी निकाले तो ये जो हीरोडो मेडिसिनालिस है ना ये मेडिसिनल लीच की तरह यूज़ करते हैं कि बॉडी पे आप रखते हैं स्किन पे तो वो उसे ब्लड सक करता है और जनरली ये ऐसा माना जाता है कि वो जो ब्लड सक करेगा उसके अंदर जितने भी गंदगी हैं ठीक है वो एक तरीके से उस ब्लड को डिटॉक्सीफाई करता है इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है इसीलिए इसका नाम हीरोडो मेडिसिनालिस बोलते हैं ग्लोसीफोर्निया फ्रेश वाटर लीच है टेरेस्ट्रियल लीच बोलेंगे हेमा हेमेडिप्सा को हॉर्स लीच बोलेंगे हेमोप्सिस को पॉन्टोपडेला को बोलेंगे स्केट सकर ठीक है <coughs> ये स्केट सकर मेनली सी में पाए जाने वाले इलेसमो ब्रांचेज फिशेज में मिलेंगे ठीक है सैलम फिश पे एक्टोपारासाइट के रूप में मिलेगा आपको एक्थोपडेला बोनेलिया ये इंपॉर्टेंट का है बोनेलिया सी लीच बोलते हैं ये मेराइन मेल एनिमल इज इल डेवलप्ड इसमें अलग तरह की खूबी है बोनेलिया के बारे में कि मेल मेरा ये मेराइन है और इसमें इल डेवलप्ड होता है मेल एंड लिव्स परमानेंटली इन द यूट्रस ऑफ फीमेल वहाँ पे यूट्रस मॉडिफाइड रहता है ताकि इस मेल को अपने अंदर रख सके एंड स्पेशल सेक्स पोटेंशियल क्या होता है इसमें कि लार्वा इफ डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली जो तो लार्वा उसमें प्रोड्यूस होगा और इंडिपेंडेंटली वो डेवलप हो रहा है तो वो फीमेल में फॉर्म होगा लेकिन अगर लार्वा इन कॉन्टैक्ट विथ फीमेल है देन इट विल डेवलप इन टू मेल ठीक है तो दीज आर द एग्जाम्पल्स इसका क्लास है अरैकिने डिली एने लीडा में इसमें प्रिमेटिव एने आते हैं मोस्टली मेराइन है एंड कवर्ड बाई सीलिएटेड इपीडर्मिस होता है इपिडर्मिस इज सिनियल अगेन सेगमेंटेशन इसमें सीन पता नहीं चलता है सेटा एंड पारापोडिया एबसेंट मिलेंगे हेड इसके पहले एब्सेंट थे इसमें डिस्टिंक्ट विथ टेंटेकल्स मिलेंगे ठीक है गोनोडक्ट इसमें एबसेंट होगा यूनिसेक्सुअल है और इसमें जो लार्वा मिलेगा उसको बोलेंगे लोवेंस लार्वा डेवलपमेंट के दौर दरमियान पॉलीगॉर्डियस प्रिमेटिव रैकेड या लिविंग फॉसिल के रूप में इसको जाना जाता है पॉलीगॉर्डियस को प्रोडो प्रोटो ड्रिलस एंड डाइनोफिलस इसके एग्जाम्पल हैं ओके हाँ हम्म हम्म, अच्छा ये लेबर ये बात है ज्यादा समय लग रहा है तो और फास्टली कर दें इसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दें यस विप्रा एंड प्रशोन सर हम लोगों को चौसठ मेगापिक्सल पे खुश होते हैं और उससे हाँ यस बिल्कुल हुक्स एंड वाले प्लेटी हेलमेंथिस इंटेस्टाइन में होते हैं ना हाँ बिल्कुल होते हैं ब्लड सकर उसमें भी होते हैं हाँ तो ये सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं सिस्ट से और बचे रहते हैं पहले से ठीक है ना कहीं भी बैक्टीरिया है तो स्पोर ये सब थोड़ा हायर ऑर्गेनिज्म हो गया तो सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो सेट की तरह ही काम करेगा ठीक है या फिर उसका चारों तरफ जो है जेली लाइक सब्सटेंस बना देगा उसके कारण होगा है ना तो इनर्ट इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है जनरली क्या है कि वो अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को इनर्ट कर लेगा एसिडिक इन्वायरमेंट है कुछ ऐसा सीक्रेट जेली लाइक सब्सटेंस जिस पे या तो उसका असर ना पड़े ठीक है या हार्ड कवरिंग कर ले ये सब तरह के मैकेनिज्म हथकंडे अपनाए जाते हैं ठीक है? म्यूकस की कवरिंग होती है यस म्यूकस की भी कवरिंग मिलेगी ठीक है हाँ माइजोस्टोम डाउटफुल एनेलिट का ग्रुप है मेराइन और इकाइनोडॉम्स पे ये रहते हैं इक्टोपैरासिटिक लाइफ है इनका और क्रिनोइड बोलते हैं इक्टोपैरासाइट है, इक्टो है देयर बॉडी ओवल एंड अनसेगमेंटेड होता है माउथ एंड एनस आर वेंट्रल ठीक है फाइव पेयर्स ऑफ पारापोरिया एंड फोर पेयर्स ऑफ सकर्स होते हैं टेन और मोर पेयर्स ऑफ ये क्रीनॉइड पाया जाता है मार्जिन पे यही क्रीनॉइड है क्या ये जो रेडिएटिंग uh, स्ट्रक्चर है ये कायराइ इसको बोल रहे हैं ठीक है रेडिएटिंग स्ट्रक्चर एंड दे देसो टार्डीग्रीड ये टार्डी क्या है स्लो इन मोशन तो मैंने लिखा है लेकिन एक्चुअली टार्डी ग्रेड्स एक ग्रुप है जिसको कि हम लोग कॉमनली या कॉलो कॉलोक्ली उसको हम लोग वाटर बियर्स या मॉस पिगलेट भी बोलते हैं वाटर बियर या मॉस पिगलेट जो कि अर्थरोपोडिक कैरेक्टर शो करता है कि ठीक है अब ये हम लोग धीरे धीरे अर्थरोपोड की तरफ बढ़ रहे हैं एंड दे आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स एंड हैव पेनिस में मिलेगा माइजो uh, एस्टोमाइस के एग्जैंपल हैं दिट इज द एंड और अब आता है मेरा आज का दूसरा जो मॉल्युस्का जिसको कि सॉफ्ट बॉडीड सेल्ड कहते हैं अरिस्टोटल टोटल ने इसको क्वॉइन किया था मॉलिस्का को और इसमें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आते हैं लैंकेस्टर ने इसका नामकरण किया एंड दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट फाइलम है जिसमें कि लगभग एक लाख बारह हजार स्पेसीज आते हैं राइट जल्दी से देख लें जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या हैं मॉल्युस्क आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स दे आर ट्रिपलो साइजोसिलोमेट ये भी समझ रहे हैं साइजोसिलोमेट ट्रू सिलोम्बर है सिमेट्रिकल है गैस्ट्रोपोर्ट्स इसमें एक ऐसा आता है जो कि ए सीमेट्रिकल है एंड ड्यू टू टॉर्सन देखिए यही से क्वेश्चन आता है ज्यादातर टॉर्सन वर्ड इससे आप वाकिफ रहिएगा ठीक है फ्रेश वाटर टॉर्सन है उसमें मूव करना एंगल ठीक है डेवलपमेंट के दरमियान तो दे लीव इन फ्रेश वाटर मेराइन वाटर एंड शम लीव इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट एम्फीबियन गैस्ट्रोपॉड भी है एम्फीबियन गोपो गैस्ट्रोपॉड को हम लोग बोलते हैं पाइला ग्लोबोसा द बॉडी अनसेगमेंटेड है बट मोनोप्लेकोफोरन मॉल्यूसका हैव इंटरनल सेगमेंटेशन जनरली अनसेगमेंटेड है लेकिन मोनोप्लेकोफोरन में इंटरनल सेगमेंटेशन मिलेगा बेडी इज डिवाइडेड इन टू हेड फुट एंड सेरल मास ठीक है डिवाइडेड होंगे बॉडी इज कवर्ड विथ बाई अ थीन फोल्ड कॉल्ड मेंटल और पैलियम उसके ऊपर के जो कवरिंग होंगे उसको बोलेंगे मेंटल और पैलियम एंड इन बिट्वीन द बॉडी एंड मेंटल अ मेंटल कैविटी इज प्रजेंट विच सीक्रेट द शेल सेल इज मेड बाई कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्चियोलिन का बना होता है सेल किस किस चीज़ का बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्चियोलिन विच प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी पार्ट अंदर के पार्ट को वो प्रोटेक्ट करेंगे एंड दीज एनिमल्स हैव नो अपेंडेज एंड दे हैव ए स्मूद मसल्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स स्मूद मसल्स इसमें होंगे अच्छा सिलोम इज रिड्यूज होगा कंफाइन टू किडनी, पेरिकार्डियल स्पेस एंड गोनट इसमें पाए जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा इन द बकल कैविटी अ रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला इज प्रेजेंट रेस्पिंग रेस्पिंग ऑर्गन ठीक है एंड नो है लेकिन बाइवॉल्व में रेड्यूला नहीं मिलेगा रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाई टेनिडिया और पल्मोनेरी से बोथ माइंड इट रेस्पिरेशन किसके द्वारा हो गया जो ऑर्गन होंगे उसमें टेनीडिया होंगे और पल्मोनेरी सैक या फिर दोनों हो सकते हैं ठीक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपेन टाइप का होगा यहाँ ब्लड साइनसेज में फ्लो करेंगे इन सिफेलोपोडा सिस्टम ठीक है जेनरली क्या है ओपेन है लेकिन सिफेलोपोडा में कैसा मिलेगा क्लोज वेस्क्यूलर सिस्टम ब्लड कंटेंट्स और रेस्पिरेटरी पेगमेंट जिसको बोलेंगे हेमोसाइन ठीक हैियाज इज अग क्लैंड माइंडेड इसमें क्या मिलेंगे हेपैटोपेनक्रियाज एंड इट इज एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सप्रेशन इज कैरीड ऑन बाय मेटा के द्वारा एक्सक्रीशन होता है नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है एंड शोज पेयर्ड गैंग्लिया एंड कनेक्टिव्स वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम विथ गैंग्लिया एंड कनेक्टिव्स मिलेंगे सेंस ऑर्गन में आपको आइज मिलेंगे स्टैटोसिस्ट है एंड ऑस्फ्रेडियम ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंस का है ऑस्फ्रा मींस स्मेल स्मेल स्मेलिंग ऑर्गन यहाँ पे सेंस ऑर्गन डेवलप कर चुका है ऑस्फ्रेडियम ठीक है एंड ऑस्फ्रेडियम इज लीफ लाइक ए स्ट्रक्चर इट टेस्ट द केमिकल्स ऑफ वाटर राइट मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेक्सुअल एंड सम आर बाई फर्टिलाइजेशन या तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है और इन देयर लाइफ हिस्ट्री दे मे शो ट्रोकोफोर लार्वा और वेलीगर लार्वा और ग्लोचीडियम लार्वा तीन तरह का इसमें लार्वा आपको मिला कौन कौन ट्रोकोफोर वेलीगर एंड ग्लोचीडियम लार्वा ग्लोचीडियम लार्वा लीड्स इक्टो इक्टोपारासीटिक लाइफ इन द बेगनिंग शुरू में कैसा होगा इक्टो इक्टोपारासीटिक लाइफ तो करेगा देन बिकम इंडिपेंडेंट एंड इट इज सीन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ खास करके यूनियो का देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा ओके अब ये फाइलम को हम लोग सेवन क्लास में बांटते हैं क्लासेस में आएगा ये राइट सेवन क्लासेस यस यस जिसमें सबसे पहला आएगा ए प्लेकोफोरा ऑली प्लेकोफोरा प्लेकोफोरा स्कैफोपोडा गैस्ट्रोपोडा पेलीसाइफोडा एंड सीफेलोपोडा ठीक है एक एक करके जल्दी एक एक स्लाइड में खत्म कर दें इसको ए प्लेकोफोरा इसमें चीटो डर्नटा एंड नियोमेनिया इसके एग्जाम्पल हैं सेल लेस वार्म है मेराइन मोल्यूस्क किस बोलते हैं सेल लेस मेराइन मोल्यूस्क है प्रिमेटिव एंड वार्म लाइक है शेल एंड फुट इसमें एब्सेंट है हेड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी आइज एंड टेंटेकल्स इसमें एबसेंट होंगे गिल्स भी एबसेंट है लेकिन मेंटल प्रेजेंट होगा हार्ट में एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल होगा रेडुला इज प्रेजेंट इन द बकल कैविटी एंड स्टेटोसिस्ट इस इसमें एबसेंट होंगे वन पेयर ऑफ गोनट्स होंगे ठीक है ये मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं याद करना आपको है बस हम बता दे रहे हैं ठीक है एक बार में तो कुछ होगा नहीं और जैसे जैसे ये पढ़ा रहे हैं मुझे लग रहा है कि यस विप्रा एंड प्रसून एंड रेस्ट ऑल जितने हैं वो सब लोगों को फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है कि इतना सारा याद करना है लेकिन ऐसा करिए मत ठीक है एकदम बी कॉन्फिडेंट आराम से रहिए काम रहिए ठीक है एक बार दो बार तीन बार इसको सुना करिए बस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अलग से बुक और रटने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है बस ये मान के चलिए कि जितना इसमें बताया जा रहा है वो सफिशेंट है और हम पी वाई क्यों करेंगे एक दो बार तब तक पढ़ लीजिए इसको पी वाई क्यों करेंगे आप ही लोग सबसे पहले जवाब दीजिएगा वहाँ उतना ही जितना भी इनर्जी डाउन हो रहा है आपका उतना ही और इनर्जी बढ़ते चला जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज़ द ऑली प्लेकोफोरा ठीक है इसीलिए मैंने पढ़ाने से पहले ही बता दिया है कि ये दो तीन चैप्टर ऐसे हैं एनिमल किंगडम है प्लांट किंगडम है मॉर्फोलॉजी है, है आपका ये एनाटॉमी है तो इसमें ऐसे भी क्लासेस में अगर कॉलेजेस वगैरह में भी पढ़ाओ कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स में सामने ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाओ तो लेस देन फिफ्टी परसेंट प्रेजेंस रहता है ठीक है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मिलेंगे जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो और इससे वाकिफ होंगे हमेशा घर और में भी मिल जाएगा कहीं दिखाई दे देता है कभी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है सेल इज अप ऑफ एट डॉर्सल कैलकेरियस प्लेट आठ डॉर्सल कैलकेरियर प्लेट है इसमें देखिए ये ऊपर में जितने प्लेट हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट यहाँ साफ दिख रहे हैं ठीक है हेड नॉट डिस्टिंग फ्रॉम द बॉडी आईज एंड टेंटेकल्स टेकल्स एबसेंट होंगे रेड्यूला प्रेजेंट होगा इन द बकल कैविटी मेंटल प्रेजेंट होगा इसके पहले वाले में मेंटल नहीं था हम्म hmm. यस yes. अच्छा ये आलम आ गया कि तुमको अपने से बोलना पड़ रहा है ऑल इज वेल हम्म अच्छा ऐसा कुछ नहीं है फोर के बाद जो है कोल्ड वेव्स शुरू हो जाएंगे चार तक तो बता दिया गया है ठीक है चार के बाद कोल्ड वेव शुरू हो जाएंगे कोल्ड वेव के बाद उसके बाद पंद्रह दिन के लिए वो डीएम पे छोड़ दिया जाएगा जितने भी जगह हैं ज़िला है डीएम पे छोड़ दिया जाएगा कि जहाँ जहाँ कोल्ड वेव्स हैं वहाँ पे कुछ खुलेगा नहीं अगले पंद्रह दिन तक तो पंद्रह दिन और बीत जाएंगे उसके बाद होते होते अभी आ रहा है जा रहा है वो वैक्सीन ऐसे करते करते कुछ और दिन बीत जाएंगे ठीक है तो आप दिन मत गिनिए उंगली पे कि यहाँ चार दिन बाद ये होगा पाँच दिन बाद ये होगा आप सिर्फ अगला जो एग्ज़ाम होना है आपको जो उसका याद रखिए ओके मेंटल यहाँ प्रेजेंट होगा मेनी पेयर्स ऑफ टेनिडिया प्रेजेंट इन द मेंटल कमिटी में टेनिडिया मिलेंगे हर्ट में दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होंगे वाह इसके पहले वाले में क्या था एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, वेंट्रिकल यहाँ हार्ट में क्या होंगे टू ऑरिकल्स वन वेंट्रिकल वेंट्रिक वन ऑफ मेटानेफ्रीडिया मिलेगा जो कि एक, एक्सक्रेशन का काम करता है सेक्सेस सेपरेट होंगे वेलीगर लार्वा इसमें मिलेंगे लाइफ साइकिल में और इसके एग्जाम्पल हैं सी मिका और माइस जिसको चीटॉन बोलते हैं उसके बाद लेपिडो पिल्यूरस एंड प्ल्यूरा इसके एग्जाम्पल हैं मोनो प्लेकोफोरा

नियोपिलिना इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और ये जो नियोपिलिना है हमने वहाँ कनेक्टिंग लिंक के रूप में भी इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे आप ठीक है एक लिविंग फॉसिल और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ये है एनेलिना एंड मोल्यूस्का के बीच का ये क्या है कनेक्टिंग लिंक है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग फॉसिल ऑल्सो एंड मोस्ट प्रोमेटिव मोलिशकन के रूप में ये जाना जाता है ठीक है <laughs> तो मोनोप्लैकोफोरा हेड इज इस डिस्टिंक्ट हेड इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड द बॉडी इज डोम सेप्ड देखिए ये डोम सेप है एंड शेल इज ब्रॉड मेडअप ऑफ अ सिंगल पीस एंड शोज ए स्पाइरली कॉइल्ड प्रोटोकॉन्च आईज़ एंड टेंटेकल्स एब्सेंट होंगे फुट इज फ्लैट एंड ब्रॉड इट इज सीन ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी फुट ठीक है

स्टैटोसिस्ट एबसेंट होता है ठीक है और वन एक ही पेयर ऑफ गोनट होते हैं नियोपेलिना बता दिए कि ये लिविंग फॉसिल भी है और ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड है ये जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस के रूप में आते हैं ठीक है यस नेक्स्ट इज द स्कैफोपोडा स्कैफोपोडा, यस yes. हम्म hmm. अच्छा जवाब मिल गया है अरे तो एक्सप्लॉयटेशन ही कर रहे हैं ना कोई इसको वायरस से मतलब कोरोना वायरस से इन्फेक्ट तो नहीं कर रहे हैं एंड यस हम्म, बिल्कुल क्या करेंगे तो ये दो एक सवा घंटे का स्लाइड को बनाने में कम से कम चार घंटे से पाँच घंटे चाहिए एटलीस्ट फाइव घंट आवर्स और हम लोग इसमें वेल well वर्स्ड उतना है नहीं शुरू से बोर्ड पे ट्रेडिशनली पढ़ाने वाले लोग हैं अब अचानक से ये सब आ गया है तो बोलने को तो बहुत कुछ पढ़ा दिया जाए बिना स्लाइड के लेकिन बगैर स्लाइड के कुछ यहाँ काम बनेगा नहीं ऑनलाइन तो इसलिए ये बनाना तो पड़ता है और इनफैक्ट सही बात यही है कि हम और जल्दी चाहें तो दो घंटे का क्लास ले लें लेकिन उतना स्लाइड बन ही नहीं पाता है तो हम बन क्लास ले ज़्यादा कैसे राइट right. कहने को ये सवा सवा घंटे का दो क्लास है या एक घंटे का दो क्लास है लेकिन इसके प्रि स्लाइड प्रिपेयर के लिए पढ़ने पढ़ाने में तो उतना समय नहीं लगना है लेकिन स्लाइड प्रिपरेशन में एटलीस्ट एक घंटे का क्लास का मीन्स कि करीब चार से पाँच घंटे का समय चाहिए चलिए तो कोई बात नहीं अब इसके बाद फिर जब दोबारा पढ़ाएंगे उस समय और ये तंदरुस्त होगा ये पहली बार स्लाइड बना उस समय और इसको मॉडिफाइड करेंगे और इसको बेहतर बनाएंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे तो इस्केफोपोडा में क्या मिलेगा एस्केफो इस इसमें आता है ये एलिफेंट टस्क सेल देखिए एलिफेंट टस्क के तरह ये दिख रहा है देख रहे हैं ना ये हाथी के दांत जो दिखाने वाले होते हैं उसकी तरह दिख रहा है ये है ना डेंटेलियम इसका नाम है इसी को बोलते हैं एलिफेंट्स टूथ भी बोलते हैं राइट तो एलिफेंट टर इंक्लूडेड इन दिस क्लास एंड देयर बॉडी इज इलागेटेड एंड इट इज कवर्ड बाई अ सिंगल पीस ऑफ सेल से कवर्ड होता है ओपन एट बोथ द इंस हेड इसमें एबसेंट होगा माउथ बियर्स टेंटल्स ठीक है क्या लिखा है येस yes, पेपर जैसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं वो नहीं बोर्ड पे पढ़ाने के लिए और उस तरह का सेटअप हम लोग अभी ये नहीं कर सकते हैं इसमें आई हैव टू उस तरह का सेटअप हमको इसमें क्रिएट करना होगा राइट ठीक है ना और ये मैंनेडेट्री है अभी हाँ डिजिटल बोर्ड हो तब पढ़ाया जा सकता है ठीक है ना डिजिटल बोर्ड पे बहुत आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं लेकिन ठीक है चलिए आगे आते हैं तो माउथ बियर्स इज प्रेजेंट इन द बकल कैविटी में रेड्यूला मिलेगा फुट ट्रायंगुलर होंगे एंड यूजफुल फॉर बोरिंग फुट जो होंगे इसमें ये ट्रायंगुलर जनरली होंगे देखिए यहां पे ये फुट है आप देख रहे हो इस फिगर में और ये बोरिंग के लिए है मतलब कहीं भी अपने आप को पोजीशन करने के लिए है ये जैसे एंकर कोई बात करते हैं जो शिप में या बोट में जो एंकर होता है उस तरीके से ये काम करेगा मेंटल इसमें प्रेजेंट होंगे गिल्स एब्सेंट होंगे पेयर्ड नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा स्टैटोसिस्ट इसमें एबसेंट होंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटोसिस्ट एबसेंट है नेफ्रीडिया इसके पहले सिंगल था इसमें पेयर्ड मिलेगा है ना गिल्स भी एब्सेंट हैं इसमें नियर द माउथ लॉन्ग थीन लोब्ड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ये जो आप देख रहे हो एलिफेंट फुट इसमें क्या है कि ये इतना सारा पार्ट वाटर में है और इसके नीचे ये इम्बेडेड है आपका सैंड में ठीक है हम्म हम्म हाँ ये भी हो सकता है हमने कई क्लासेस वैसे लिए हैं वाइटमिन्स वगैरह के क्लासेस लिए हैं बट वो और टाइम टेकिंग होता है ठीक है ना इस पर लिखना और वो टाइम टेकिंग होता है तो मुझे लगा कि ये फिर अगर मान लेते हैं अभी एनिमल किंगडम में अगर ये मैं पढ़ाऊँ और ये सारा फिगर बनाऊँ तो क्या आप बैठ पाओगे अभी ठीक है तो हाँ ये सही है कि कुछ रि जो रेफरेंस के फिगर्स हैं वो ले करके और हम यहाँ पे बाद बाकी चीज़ों को लिख करके पढ़ाऊँ ठीक है तो मैंने पढ़ाया भी है कई भी पीछे के लेक्चर्स आप देखो उसमें उसमें ऐसा किया है मैंने या फिर इसमें हो या फिर, हो, या फिर स्पेशल क्लास में लेकिन इट आल्सो टेक्स टाइम्स टू मच टाइम लेता है इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाता है इसलिए जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं आप लोग भी बोरियत फील नहीं करोगे एंड येस yes, कार्तिकेश्वर बहरा वेलकम ठीक है नियर द माउथ लॉन्ग थीन लोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा माउथ में लॉन्ग थीन एंड लोब्ड स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग बोलते हैं कैप्टाकुला ठीक है ये कैप्टाकुला जो है फीडिंग लोब्ड स्ट्रक्चर है माउथ के पास देखिए यहाँ पे यही लोब्ड स्ट्रक्चर और ये क्या है यूजफुल इन फीडिंग एंड रेस्पिरेशन एंड इसमें यानी कि फीडिंग और रेस्पिरेशन दोनों में मदद करेगा कैप्टाकूला याद रखिएगा सेपरेट होते हैं इसमें जो लार्वा होगा वो क्या होगा ट्रोकोफोर लार्वा होगा ठीक है यही डेंटेलियम शेल या एलिफेंट टूथ भी इसको ब, बोलते हैं एंड पल्से ल्यूटन इसके एग्जाम्पल हैं सही बात है हम्म hmm, ड्राइंग समझ में आना चाहिए गैस्ट्रोपोडा चलिए गैस्ट्रोपोडा इसमें स्नेल्स एंड स्लग्स आते हैं सेल सिंगल पीस का बना होगा जो कि स्पाइरली कॉय्ड होगा ठीक है हेड डिस्टिंक्ट एंड वेल डेवलप्ड होंगे आई एंड टेंटेकल्स इसमें होंगे रेड्यूला भी होगा फुट एंड फुट इज ब्रॉड एंड फ्लैट हम जेनेटिक्स में आएंगे हेरिडिटी में तो ऐसे ही पढ़ाएंगे विप्रा ये ज़्यादा टाइपिंग नहीं होगा हाथ से लिखा हुआ ही होगा ठीक है रेस्पिरेशन इज बाई सिंगल टेनिडियम और पल्मोनरी सैक और बोथ होगा सिंगल टेनिडियम के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है या फिर पल्मोनरी सैक के थ्रू या फिर दोनों के थ्रू सिंगल टेनिडियम एंड पल्मोनरी सैक ये एनिमल किंगडम है इसको समझिए क्योंकि इसमें हम लिख के नहीं पढ़ा सकते हैं हेरेडिटी में चूँकि समझाना है उसमें आपको चीज़ें बनाना है न्यूमेरिकल भी बनाना है तो उसमें हम लोग लिख के पढ़ेंगे हम्म hmm. यस yes. उजीथा मक्का वेलकम विच लैंग्वेज एक्सप्रेशन इज बाय सिंगल किडनी and it is called organ of bojanus mind it isme excretion hota hai oh you don't understand hindi okay okay so here the excretion is by single kidney and which is known as organ of bojanus इसमें स्टैटोसिस्ट विल बी प्रेजेंट यहाँ पे एंड दे आर एसिमेट्रिकल बिकॉज ऑफ टॉर्शन एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट अब ये मैं बार बार इस टॉर्शन पे बात कर रहा हूँ आप इसके बारे में फोकस करिएगा डिटेल में ठीक है यूनिसेक्सुअल uh, और बाइसेक्सुअल बोथ हो सकते हैं दे शो सिंगल गोनर्स एंड डेवलपमेंट इनक्लूड इसमें वैलीगर लावा मिलेंगे यस आई नो वेलीगर लार्वा इसमें मिलेंगे गैस्ट्रोपोर्ट्स में नेक्स्ट इज पेलीसाइपोडा ठीक है दिस इज हाइएस्ट इकोनॉमिक क्लास ठीक है ना इकोनॉमिक वैल्यू इस क्लास के इकोनॉमिक वैल्यू इज वेरी हाई दिस पेलीसाइपोडा इज ऑल्सो नोन एज बाई वाल्विया और लेमेली ब्रांचिएटा ठीक है द बॉडी इज लैटेरली कंप्रेस्ड लेटेरली कंप्रेस्ड होंगे लैटेरली कंप्रेस्ड, नॉट डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड दिस इज डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड दिस इज लैटेरली कंप्रेस्ड. एंड शेल्स टू वॉल्स नेम बाई बिकॉज़ द सेल्स टू वॉल हेड हेयर एबसेंट होंगे आईज एंड टेंट ऑल्सो हेड एब्सेंट आइज एंड टेंट रेडियोला एबसेंट क्यों क्योंकि रेडियोला इज प्रजेंट इन माउथ हेड है ही नहीं फुट इज वेज शेप्ड फुट वेज शेप्ड हेंस द नेम पेलीके रेस्पिरेशन इज बाई वन पेयर ऑफ टेनि के द्वारा होता है टेनिरिया इज इन अयर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन इज बाई वन पेयर ऑफ किडनी एंड ये एक्सक्रिटरी ऑर्गन जो होंगे यहां दैट इज नोन एज केबर्स ऑर्गन ओके एंड दे सो ए स्टैटोसिस्ट वन पेयर ऑफ गोनट्स होंगे एंड द लाइफ साइकिल इंक्लूड बोथ वेलीगर लारवा और ग्लोचिडियम लार्वा ओके दीज आर द एग्जाम्पल्स सोलिन विच इज नोन एज ब्लेड फिश सिपवा टेरेडो को बोलते हैं दिस मॉलिश बोर्स द उड लकड़ी में छेद करते हैं ये टेरेडो यूनियो फ्रेश वाटर मशेल बोलते हैं डेट्राइटस फीडर हैं ये यूनियो माइटिलस मेराइन मशल्स एस्कैलोपेक्टेन एस्पॉन्डिलस इडिबल ऑयस्टर पिंक टाडा वलगरिस एंड टेरिया इंडियन पॉर्लस्टर माइंड इट इसको आप याद कर सकते हो इंडियन पॉल लोस्टर पिंक टाडा वलगरिस एंड टेरिया बोथ मेंटल सीक्रीट्स मेनी लेयर्स अराउंड सैंड पार्टिकल्स टू फॉर्म अ पर्ल काफ़ी दिनों तक इसमें दबे रहने के कारण प्रेशराइज़्ड हाई प्रेशर एंड बहुत दिनों के बाद तक रहने के बाद इसके अंदर पार्ल बनता है है ना काफ़ी कॉस्टली अब तो हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं जेमोलॉजी की पढ़ाई होती है और उसमें ये सब बनाना सीखते हैं गुजराती लोग इसमें माहिर हैं पर्ल बनाने में और देश को लूटने में भी है ना इंशिन रेजर काम बोलते हैं लेमेलीडेंस ये सब के सब इसके एग्जाम्पल हैं और ये रहे आपके फिगर्स इनके मेंबर्स ऑफ आई वालबिया के राइट माइटिलिस है पेक्टेन है, यूनियो देखिए ये यूनियो शेल वॉल्व इसमें मिलेंगे फुट मिलेंगे एक्स करेंट साइफन है बाहर की ओर निकलते हुए एक्स करेंट साइफन इनको बोलेंगे ये दिस सोज द ग्रेगेरियस सी मशल इज फाउंड इन द साल्ट इन साल्ट ब्रैकिस एंड फ्रेश वाटर में ये पाए जाएंगे एंड इट हैज मेनी थ्रेड्स टू हेल्प इन अटैचमेंट ये बाइसस थ्रेड्स हैं ये सब के सब क्या हैं दीज आर बाइसस थ्रेड्स विच इूज इन अटैचमेंट्स ठीक है ये पेक्टन इज यूनिक इन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्ड आई ऑल अराउंड इट्स मैंटल के चारों तरफ आइज uh, मिलेंगे उसी तरीके से यहाँ यूनियो हैं तो ये सब आप देखो एंड नेक्स्ट इज सिफेलोपोडा हाईली इवॉल्व मॉलिस्क इज सिफेलोपोडा सिफेलोपोडा इज हाईली इवोल्व मॉलिस्क एंड देयर बॉडी इज इलोंगेटेड हेड इज डिस्टिंक्ट अराउंड द हेड अ पार्ट ऑफ द फुट इज मॉडिफाइड इनटू आर्म्स हेंस द नेम सिफेलो क्यों हेड तो डिस्टिंक्ट है ही और अराउंड हेड पार्ट ऑफ हेड हेड अ पार्ट ऑफ द फुट इज मॉडिफाइड इन टू आर्म्स यानी कि सिफेलो का मतलब हो गया हेड पोडा का मींस मीन्स फिट हेड के पास एक फुट मॉडिफाइड आर्म के रूप में प्रेजेंस होता है दैट्स वाई इट इज नोन है पोडा यस

आईज आर प्रजेंट एंड वेब्रैट आई से मिलता जुलता होगा इट रिजेंबल्स वर्टेब्रैट्स आइज रेड्यूलाइज प्रेजेंट एंड वन और टू पेयर्स ऑफ तेनि प्रजेंट फॉर रेस्पिरेशन वन और टू पेयर्स वन और टू पेयर्स ऑफ किडनी भी होंगे फॉर एक्सक्रेशन क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेशल्स हे आर सीन एंड दे आर यूनिसेक्शुअल एनिमल्स एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट माइंडेड

Inside the body of sepia, chromatophores are present on entire surface and it has 10 arms. Sepia has 10 arms. Octopus, devilfish, 8 arms and is devoid of shell. Devilfish is devoid of shell. Octopus. Argonauta, pepper shell, nautilus, patchy discus. स्क्विड और सी एरो सी फ्लाई बोलते हैं क्लास आर जॉइंट स्क्विड्स एंड दीज आर द लार्जेस्ट इन वर्ट एम्स आर्किट्यूथिस दीज आर एटीन मीटर लॉन्ग एंड सिक्स मीटर थिक इसीलिए दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जाइंट अटलांटिक ए स्क्विड क्योंकि अटलांटिक सी में यह मिलेगा जाइंट अटलांटिक स्विड ओके तो यह रहा आपका सीफेलो पोड और लास्ट इन लास्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आर इेश्स ऑफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल इज मेड बाई द मॉलिस्का प्राइडेंडेकना टेनिस बॉल के बराबर का ये पर्व सबसे प्रेशियस बना सकता है कौन ट्राइडेक्ना स्ट्रक्चर कॉल्ड हेक्टोकोटाइल इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ द क्लास क्लासैलोपोडा विच इज अ मोडिफाइड आर्म एंड दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स इन स्पॉम ट्रांसफर सो हेक्टोकोटाइल ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज विच हेल्प्स इन स्पॉम ट्रांसफर प्लानोरबिस एंड आर द सेकेंडरी होस्ट ऑफ फैस्क्यूला हेपैटिका सेकेंडरी होस्ट फेस्क्यूला का सेकेंडरी होस्ट कौन है प्लेनोर्मिस एंड लिम्निया सेल इज मल्टीव इन ऑलीप्लैकोफोरा नैकरलेयर नैक्रेलेयर इज कॉल्ड मदर ऑफ पार्ल माइंड इट नैक्रेलेयर इज कॉल्ड मदर ऑफ पार्ल एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्ची कॉन्चियोलिन प्रोटीन का बना होता है डेंटेलियम हैज अ अलेंड्रिकल फुट एंड कंप्लीट क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन सीफेलोपोर्ड्स एंड ब्लू ब्लड इज फाउंड इन द ऑक्टोपस एंड लॉलीगो ऑक्टोपस एंड लॉलीगो इंक उससे निकलता है यस hmm. yes, इतना बड़ा पर्ल है और इससे इंक जैसा इसको हार्म करें तो उससे निकलेगा ऑक्टोपस एंड लॉलीगो ब्लू ब्लड उसका निकलेगा ठीक है ये सारे के सारे उसके फिगर्स है, हैं देखिए कितने खूबसूरत हैं ऑक्टोपस तो आप देखे ही होंगे पायरेट्स जो देख रहे होंगे उसमें मिल रहा होगा ये सेपिया है लॉलीगो है नोटिलिस है ऑक्टोपस है एंड आरगो नोटा है मेंबर्स ऑफ दीज आर ऑल आर द मेंबर्स ऑफ दिफैलोपोर्स ओके थैंक यू वेरी मच फिर कल छुट्टी परसों के क्लास में देखते हैं खत्म हो जाता है तो फिर एक क्लास हम लोग एनाटोमी और या फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी और दूसरा क्लास हेरेडिटी का चलाएंगे ओके थैंक यू वेरी मच